अगर सबसे बड़ा झटके की बात अगर हम करेंगे ओवरऑल बीजेपी को, तो सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां पर 67 से लगभग 69 सीटें बताई जा रही थी कि जो बीजेपी के खाते में आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। गुजरात में 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिख रहा है, यहां बढ़त बनाए हुए है। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर एनडीए जो है वो यहां पर आगे है। तो फिलहाल यहां कंगना रनौत के लिए भी एक अच्छी खबर है। अगर कंगना रनौत यहां से आगे दिखे, हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत यहां पर आगे चल रही है, और राजा साहब बाबू साहब जिस तरह से वो कह रहे थे कि भाई विक्रमादित्य जो है वो बाबू साहब अब बहुत हो गया, वो अब घर में रहें, अब मैं यहां पर संभालूंगी मंडी की, मैं बेटी हूं और मंडी की जनता के लिए, यहां के लोगों के लिए मैं काम करूंगी। ललित शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आपके पास आते हुए देखिए फिर से रुझानों में थोड़ा बहुत बदलाव, जैसा कि हमने पहले भी कहा था आंकड़े बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 19-20 होता हुआ दिखेगा। मंडी से एक बार फिर से कंगना रनौत जो है वो आगे हो गई है, और सभी सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जाते हुए हिमाचल में। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जरूर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे हॉट सीट है वो है मंडी की। मंडी में कंगना जो रनौत है लगभग 37,000 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि अभी जो ईवीएम मशीन खुली है वो मंडी की, और साथ में जो सिराज वाला एरिया है उस जगह की जो सीट ईवीएम है वो खुली है। अपर हिमाचल है जिसमें रामपुर है, नारकंडा है, किन्नौर है, वो वाली अभी ईवीएम है खुलनी बाकी है। फिलहाल इसमें लीड जरूर कम हो सकती है, लेकिन कंगना कहीं ना कहीं एक एज बनाते हुए जरूर नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बाकी दो सीटों की बात करें, कांगड़ा में जो अजय बढ़त है वो ऑलरेडी बीजेपी बना चुके हैं, वहां से राजीव भारद्वाज है वो अच्छी लीड से आगे चल रहे हैं। और अगर बात करूं मैं शिमला की, तो शिमला से भी जो सुरेश कश्यप है, हिमाचल बीजेपी के पूर्व जो अध्यक्ष है, वो भी लगातार बढ़त बनाए हुए। और अगर बात करूं मैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में भी जो अनुराग ठाकुर है वो अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़ों की अगर मैं बात करूं श्वेता, तो वो हरियाणा और पंजाब से है। सबसे पहले मैं हरियाणा की बात कर लूं, तो हरियाणा से अंबाला सीट पर जो कांग्रेस के वरुण चौधरी है वो लगभग 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं कुरुक्षेत्र सीट की बात करूं, तो इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता है वो आगे चल रहे हैं, मार्जिन थोड़ा कम है, लगभग 1100 वोटों का है। सिरसा से अजय बढ़त है, वो कुमारी शैलजा ने बनाई हुई है, लगभग 70,000 वोटों से आगे चल रही है। और हिसार से भी कांग्रेस के जयप्रकाश, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, वो भी लगभग 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करनाल सीट से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है वो 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी है वो लगभग 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि राज्यसभा के सांसद है, वो भी लगभग 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें, तो वहां से भी जो धर्मवीर सिंह है भाजपा के, वो आगे चल रहे हैं। गुड़गांव से भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जहां पर राज बब्बर है लगभग 38,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और फरीदाबाद से भाजपा के कृष्णपाल गुज्जर है वो लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी हरियाणा में जिस तरह से लगातार जो एग्जिट पोल ने बताया था, उससे और उलट आंकड़े नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस है 6 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं श्वेता पंजाब की। पंजाब में बहुत ही उलट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। दो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं खडूर साहब सीट की, जहां से अमृतपाल सिंह, जो कि एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में असम में बंद है, वो लगभग 53,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर सरजीत सिंह खालसा, जो बेअंत सिंह की हत्या, जो इन्होंने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था, उनके जो पोते हैं, वो लगभग 27,000 वोटों से करते आगे चल रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो गुरदासपुर से आगे है, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला आगे है, जलंधर से पूर्व सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी आगे है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो एक सीट पर बठिंडा की हरसिमरत कौर बादल आगे है। बिल्कुल, अगर एक सीट की अब आगे एग्जिट पोल की बात करें, तो 7 से 9 सीटें लगभग बताया जा रहा था एग्जिट पोल में कि इंडिया कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही थी। ऐसे में अगर अभी के जो आंकड़े हैं, अभी के जो रुझान आ रहे हैं, ललित फटाफट सिर्फ वो बता दीजिए कि वो कितनी सीटें कांग्रेस को जाते हुए दिख रही है वहां पर।
देखिए फिलहाल अभी कांग्रेस को 5 सीटों पे लीड है, 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी को लीड है, 2 सेपरेटिस्ट है, उसके अलावा 1 सीट पे जो अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल है वो लीड कर रही है, यानी अच्छी पोजीशन में फिलहाल पंजाब में जो इंडिया गठबंधन है वो नजर आ रहा है।